प्रियंका ऑडिशन दे देकर हो गई थी दुखी, थक हार कर छोड़ दी थी उन्होंने मुंबई, मजबूरी में किया मेकअप कोर्स, फिर पलटी किस्मत। प्रियंका की ये पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बिग बॉस 16 हर दिन अपने नए ट्विस्ट लेकर आ रहा है। ये शो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है और लोगों को ये काफी पसंद आता है। इस शो में इस बार प्रियंका चहर चौधरी काफी छाई हुई है। प्रियंका शो की सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में से एक मानी जा रही हैं। उन्होंने टीवी शो उराड़िया से पॉपुलैरिटी हासिल की थी। प्रियंका ने टीना दत्ता से बात करते हुए अपने पहले ब्रेक और स्ट्रगल के बारे में बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी फैमिली और स्कूल के बारे में कई खुलासे किए। प्रियंका चौधरी ने टीना दत्ता को बताया कि वो स्कूल के दिनों से एक्टिंग करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो बहुत डरती थी। जैसे तैसे उन्होंने स्कूल के प्ले में पार्टिसिपेट किया। प्रियंका चौधरी ने कहा कि उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने अपनी माँ को कख गघ सिखाया। प्रियंका ने यह भी बताया कि वो स्कूल में स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव थी, वो स्टेट लेवल पर खो खो खेल चुकी हैं। प्रियंका चौधरी ने यह भी बताया कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उनमें एक्टिंग करने का शौक चढ़ा था। वो मुंबई आई और उन्होंने कई ऑडिशन भी दिए, लेकिन उन्हें ज्यादा पतला होने की वजह से तो कभी किसी और वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता था। प्रियंका चौधरी ऑडिशन देकर थक चुकी थी और अपने रिजेक्शन से दुखी हो गई। उन्होंने मुंबई छोड़कर जाने का फैसला किया और जयपुर आ गई और यहाँ पर मेकअप का कोर्स किया। प्रियंका ने बताया कि वो एक्ट्रेस नहीं बन पाती तो मेकअप आर्टिस्ट होती। प्रियंका ने कोर्स करने के दौरान मेकअप से जुड़े रील बनाने शुरू किए। उनकी एक रील उड़ारियां की टीम में से किसी को पसंद आ गई। प्रियंका चौधरी ने बताया कि उन्हें शो के ऑडिशन के लिए कॉल आया और घर से वीडियो बनाकर भेजने के लिए कहा गया। उन्होंने एक वीडियो बनाकर भेजा और महज 4 घंटे में उन्हें शो के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। उड़ारियां टीवी का सुपरहिट शो रहा है, इसमें अंकित गुप्ता के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। दोनों साथ में बिग बॉस 16 में बतौर कंटेस्टेंट्स आए थे। अंकित बाहर हो चुके हैं जबकि प्रियंका चौधरी अभी तक गेम में बनी हुई हैं। प्रियंका चहर चौधरी को बिग बॉस 16 के विजेता के तौर पर भी देखा जा रहा है। वो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं और उनके फैंस उनको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी बेबाकी और उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखने का जो तरीका है वो सभी को पसंद आ रहा है। अब ये देखना होगा कि प्रियंका क्या वाकई ये शो जीत पाती हैं। क्या कुछ कहना है आपको इस वीडियो पर, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।